नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। 3 फरवरी 2022 को खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 43 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है और इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के बल्लेबाजों ने छक्कों चौकों की बौछार कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस्लामाबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। खास तौर पर शाहिद अफरीदी की बुरी तरह से धुनाई हुई, जिन्होंने 4 ओवर में 67 रन लुटा दिए। इस मुकाबले में क्वेटा की हार के जिम्मेदार शाहिद अफरीदी रहे। टी20 क्रिकेट में 1400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले शाहिद अफरीदी की गेंदों की पाकिस्तान सुपर लीग में गुरुवार को जमकर कुटाई हुई। ये बतौर गेंदबाज शाहिद अफरीदी के टी20 करियर का सबसे खराब प्रदर्शन था। अफरीदी की गेंदों पर इस्लामाबाद के बल्लेबाजों ने 8 चौके और 1 छक्का लगाया, यानी वे 52 रन चौके और छक्कों से ही खा बैठे। साथ ही उन्होंने एक वाइड बॉल भी डाली। शाहिद अफरीदी का बुरा हाल पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मोइन खान के बेटे आजम खान ने किया। आजम ने उनकी गेंदों पर 6 छक्के और 1 चौका जमाया। 2 छक्के कोलिन मनरो ने मारे। आजम ने इस पारी में 35 गेंदों पर कुल 65 रन बनाए। वहीं मनरो ने 39 गेंदों पर 72 रन की पारी खेली। इस्लामाबाद की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बता दें कि शाहिद अफरीदी पीएसएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज भी बन गए। अफरीदी से पहले पिछले सीजन में ही जफर गोहर ने 4 ओवर में 65 रन लुटाए थे। 2019 में शाहिद अफरीदी भी 4 ओवर में 62 रन लुटा चुके हैं। 41 साल के शाहिद अफरीदी इस पीएसएल सीजन का ये पहला मैच खेल रहे थे। फिट नहीं होने के कारण वे टीम के शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेल सके थे, लेकिन इस मुकाबले में वो मैदान पर खेलने उतरे और उनकी जमकर धुलाई हुई और ये पीएसएल का एक रिकॉर्ड भी बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने 4 ओवर में इतने रन नहीं खाए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।